करते हैं टेम। अरे यार गीगा इतना डैमेज कैसे भाई? तो क्या हाल चाल है गेमर्स, एंड वी आर बैक विद द ब्रांड न्यू वीडियो। एंड आज हम फिर से अपनी एआर के सर्वाइवल फ्रोजोडोर मैप खेलने वाले हैं। एंड आज हम करने वाले हैं एक गीगा, एंड वो नॉर्मल गीगा नहीं होगा, आर गीगा होगा, स्पेशल एडिशन होता है जिसमें, तो उसी को आज टेम करेंगे। सारी तैयारी वगैरह मैंने सारी कर ली है, जो जो मेरे को चाहिए था, जो वेपन चाहिए था, जो स्टन एरो चाहिए थे, जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ मिल गया, क्योंकि बहुत रेयरली स्पॉन होता है वो आर गीगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं उसी की तरफ, क्योंकि मैं उसको मिस नहीं करना चाहता उसकी। तो गाइस मैं आ चुका लोकेशन पे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो इधर ही मेरे पास एक आरगे का स्पॉन हुआ था, मेरे घर के पास ही हुआ था। एंड ये रहा, लेवल भी अच्छा खासा है, एंड आर गीगा है, ऊपर से फीमेल है, और क्या चाहिए भाई, सब कुछ है इसमें। तो आज इसी को हम टेम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आर गीगा का आपको पता ही होगा, ये नॉर्मल गीगा से हल्का सा थोड़ा सा बढ़िया होता है, क्योंकि ये स्पेशल एडिशन होता है गेम की तरफ से। तो अभी मैं ट्रैप वगैरह सब कुछ लेकर आया हूँ, बना लिया है मैंने ऑलरेडी सब कुछ। अभी जहाँ पर लगाते हैं ट्रैप, तो ट्रैप बहुत इजीली होता है, इजी होता है इसका। बस आपको स्टोन स्टोन के डाइनो गेट चाहिए होंगे, ठीक है, जहाँ तो आप मेटल के भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर इधर स्टोन के यूज करना, ठीक है। अभी जहाँ पर स्पेस कुछ ज्यादा ही है, मैं थोड़ी सी स्पेस थोड़ी सी कम कर दूंगा, और एंड डेट्स इट, एंड जे इनफ है, ठीक है। एंड जहाँ पर एक थोड़ी सी एक और लगा देते हैं, एक और लगा देते हैं। अरे इधर लग रहा है पागल। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी थोड़ी सी लोकेशन कम हो चुकी है। अभी अपना मेन काम है ये, जहाँ पर एक बियर ट्रैप गाइस आपको लगाना पड़ेगा, ये बियर ट्रैप बहुत इजी है बनाना। तो यहाँ पर एक बियर ट्रैप लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, कि इसको मिस नहीं करना किसी भी चांस पर यार, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो एक्टिव हो चुके हैं जी, मैंने एक बार चेक भी कर लिया है। अभी अपने डैशबोर्ड हाउस पे बैठते हैं तो चलते हैं, ठीक है ना। एंड वेपन वगैरह मैंने इधर सारे पकड़ के रख लिए हैं पहले ऑलरेडी। एंड जेरा अपना बीस्ट, जो बॉस मैंने इसको नाम ऑलरेडी दिया है, क्योंकि लेवल अच्छा खासा है इसका। जेरा सामने ही है ये, एंड टोरपोर गाइस इसका देख सकते हैं कि कितना ज्यादा है यार, हालत पतली होने वाली है यार। एंड जे मैं अपनी इन्वेंट्री में एक बार डाल लेता हूँ, पीछे से डाइनो गेट भी लगाने हैं ना। मैं क्या डैमेज दे रहा भाई, बहुत गंदे वाला डैमेज दे रहा भाई। अरे आया नहीं यार, डैमेज दे के आया नहीं भाई, पागल की औलाद। भाई क्या डैमेज देता है यार किया यार, एंड स्पीड अच्छी खासी है। अरे ये आर कैटेगरी में जो जितने भी है ना, इनकी स्पीड गाइस बहुत अच्छी होती है। एंड ये देखो, ये इसकी आके लाल भी हो गई यार, ये कैसे भाई। चलो ये ट्रैप फाइनली हो चुका है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर सुरक्षित हम यहाँ पर लैंड करेंगे, एंड इसको नॉकआउट करने का प्रयास करेंगे हम। क्या शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं अभी, तो यहीं पर जहाँ पर लैंड हो जाता है। एंड वेपन वगैरह मैंने जैसा कि बोला आपको कि ऑलरेडी मेरे पास सब कुछ, मैं फुल तैयारी से आया था कि इसी को ही टेम करना है, ठीक है ना। जी मेरे पास दो वेपन है, एक दो स्लॉट में है, एंड एक सिक्स स्लॉट में है, ठीक है। ये दो स्लॉट में है, जो जो सेकंड स्लॉट में है ना, जो मेरे को ड्रॉप में से मिला मिला था, तो आपको वो भी बताएंगे कि आपको कहाँ पर ड्रॉप मिलेंगे। यहाँ पर एक केव है, ठीक है ना, मैं लाइव में आया था जब, तो उसमें गया था, उस केव में गया था, वहां पर मुझे मिली थी ये, मैं यहाँ पर जाता रहता हूँ, ठीक है ना। तो आपको बताएंगे कि केव कहाँ पर है, पहले इसको नोकट करने का प्रयास जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं अभी। तो अभी इसको मैं देख तड़ाक मार ही रहा था, मारते जा रहा था, क्योंकि अपना ये जो सिंपल राइफल है, जो एक असेंडेंट या पता नहीं कौन से लेवल पर है, तो ये एक शॉट पर 1000 का तोड़फोड़ देती है। तो इस हिसाब से मेरे को उसी मतलब इतने मारने थे, ठीक है ना। तो अभी मैं मारते जा रहा था, क्योंकि ये इसका टोरपोर भाई गाइस बहुत हद से ज्यादा होता है यार। अभी क्या बताऊँ, जैसे कभी कभार इधर भाग रहा था, कभी उधर था, मेरे एक तो शॉट भी मिस हो चुके हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं।
शॉर्ट में मिस हो चुके हैं, फिर मैं थोड़ी सी आगे जाता हूँ, फिर लगाता हूँ, फिर से थोड़ी सी आगे जाता हूँ, फिर लगाता हूँ। ये मरने का ना ही नहीं ले रहा था। अरे बैठ जा, क्या कर रहा है गधे की औलाद। तो अभी इसको मैं मार ही रहा था होता हूँ तो मेरे को ना साउंड आती है भाई, पीछे मेरे कोई है, ठीक है ना। पहले तो मैंने नोटिस नहीं किया ज़्यादा, ठीक है। तो फिर मेरे पास आया कि ये एक ओवल है, ये जो होता है ना ओवल, ये स्नो ओवल है, ठीक है, ये आर स्नो ओवल है, कोई एरा गैरा भी नहीं है भाई, मेरे को आर वाले ज़्यादा करने हैं। तो मैंने सोचा इसको क्या करना है, टाइम पास है। जो ये मेरे पे अटैक करने लग गया एंड मेरे को बहुत गुस्सा आया यार। मैंने कोशिश की कि चलो उसको नॉक आउट करते हैं, इस पर क्या टाइम वेस्ट करना, एंड जे मेरा टाइम वेस्ट बहुत कर रहा था, मेरे को डैमेज दे रहा था। तो मैंने सोचा चल भाई अगले जन्म में मिलते हैं इसको पेल पाल के। तो इसका अभी जो इसको पेल रहा था उसका टॉर्पर, गाइस गीगा का तो यार आप लोगों को पता ही होगा कि क्या ही टॉर्पर ड्रॉप होता है ना इसका, हद से ज़्यादा टॉर्पर डिक्रीज होता है इसका। तो इसको फिर से टपा टप देते हैं, पेलते जाओ पेलते जाओ, मारते जाओ मारते जाओ, बस यही चल रहा था भाई बहुत देर से। एंड इसकी हेल्थ भी अच्छी खासी है, लेवल भी अच्छा खासा है, ऊपर से आर गीगा है भाई। तो जैसे ही मैंने इसको मार रहा था ना, मेरे दिमाग में ख्याल आया यार आर ओवल भाई करना है मेरे को, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे वाला होता है, उसको भी करेंगे। ये सोच ही रहा था हूँ होता हूँ कि ये बस लास्ट एक शॉट खाता है एंड अनकॉन्शियस हो जाता है, जो कि मेरे को बहुत खुशी देता है। अनकॉन्शियस जब हुआ था ना, बहुत खुशी दी थी भाई इसने। तो ये फाइनली अनकॉन्शियस हो चुका है। तो अभी इसके पास चलते हैं, इसको फीड वगैरह देते हैं कि क्या खाता है या क्या सीन है इसका। तो अभी चलते हैं इसकी तरफ, पास में आ चुके हैं। ये खाता है गाइस प्राइमेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल। तो केबल वगैरह के भी भाई एक एपिसोड आएगा, क्योंकि केबल बनाना मैंने रिसेंटली ही सीखा है। तो इसके लिए केबल वगैरह तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को भी मेरे पास मीट ही है, वो ही दूंगा। एंड इसका वही तौर पर देखो गाइस क्या ही डिक्रीज होता है यार। अभी मैं इसको ये भी देता हूँ पोर्शन, ताकि ये 30% इंस्टेंटली टेम हो जाए, ठीक है। जे इसकी इन्वेंट्री में नहीं डालना होता, मेरे को पता नहीं था। अभी मैं इसको नार्कोटिक देता हूँ बहुत सारी, खाते खाते खा ले खा ले खा ले भाई, से खा ले, ताकि इसका टोर पर मेंटेन रहे। क्या ही स्पीड से डिक्रीज होता है भाई इसका, मतलब आपके पास कम से कम 100 से अबव गाइस आपके पास नार्कोटिक होनी चाहिए, फिर ही आप इसको टेम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसके लिए प्राइम मीट लेने जा रहा हूँ। मेरे पास इधर अलोसोरस एंड रेक्स हैं, तो अभी इनको पेलते हैं, क्योंकि अपने पास डेस्मोडोस है भाई, और उसका डैमेज तो आप लोगों को पता ही है, क्या ही गजब लेवल का डैमेज देता है। अभी अलोसोरस मर गए, रेक्स तेरी, अरे यार टेक रेक्स था भाई। अरे एंड टेक रेक्स रेक्स की गाइस एक आर्मी बनानी है अपने को, है ना, ताकि हम बॉस फाइट भी कर सकें लास्ट तक। तो अभी ये हो चुका है, अभी तू रह गया, चला जा बेटे। अरे ये प्राइमेट दे दिया भाई इसने, ही। अभी तू कहाँ भाग रहा है, बैठ जा। चलो गाइस अभी जल्दी से फटाफट चलते हैं अपने गीगा की तरफ, ताकि उसका टॉर्पर डिक्री अनकॉन्शियस ना हो जाए यार, फिर से उठ गया ना यार बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। नहीं अभी तो है, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी खिलाकर आया था इसको नार्कोटिक, ठीक है ना। तो अभी तो होगा, ठीक है। ये हनी 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 बीज है भाई, जो पीछे था ना पैर के नीचे मेरे। एंड से इसका ये इन्वेंटरी नहीं है, इन्वेंटरी का कोई सीन नहीं आ रहा, पीछे से आ जाएगा, हाँ इधर से आया। तो अभी मैं इसको प्राइमेट देता हूँ, एंड उसी के साथ साथ ये मैंने एक बाम बनाई है, जो किसी भी डाइनोस को ना इंस्टेंटली उसका फूड लेवल 0 कर देती है। इसको ये भी देंगे ताकि इसे जल्दी से हो सके, मुझे 30% टाइम हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं उसका ना, डेस्मोडोस में जो एक स्पेल बनती है, ठीक है ना, उसकी वजह से, ठीक है ना। अभी इसका फूड गाइस कम तो होने से रहा, ठीक है ना। तो अभी इसको देते हैं बाम, ताकि इसका फूड लेवल इंस्टेंटली 0 हो जाए, यानी ये रही बाम, ठीक है। अभी इसकी करना कुछ नहीं है, इसको इन्वेंटरी में डालना है, एक खिलानी है बस, इसका फूड लेवल बिल्कुल 0 हो जाएगा। देखो फूड बिल्कुल 0 हो गया ना, देखो अभी जब फटाफट सब कुछ खा लेगा। अभी इसकी इन्वेंटरी में सब कुछ डाल देते हैं, सारा मीट वगैरह डाल देते हैं, एंड वो बाम, अरे ये हो ही गया भाई, तीन चार बस खाए इसने। एंड इसका नाम क्या रखूं क्या रखूं, इसका नाम मैं कुछ स्पेशल सा रखता हूँ यानी। तो इसका नाम रखते हैं जाइट बॉस, कैसा लगा नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है।
ये नाम रखेंगे, जाइंट बॉस उसका नाम रखते हैं। एंड अभी ये हो चुका है टेम, एंड इसको अभी अनकॉन्शियस कर, अनकॉन्शियस बोल रहा हूँ भाई, इसको तो क्रॉनिकल, अनक्रॉनिकल कर लेते, क्रॉनिकल कर लेते हैं। तो अभी टाइम है इसको अनक्रॉनिकल करने का। तो अभी मिलते हैं अपने बेस की तरफ, इसकी इन्वेंट्री में जो कुछ भी था मैं अपनी इन्वेंट्री में ट्रांसफर करते गया। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपनी बेस की तरफ। तो अभी इसको टेस्ट वगैरह भी करना है। एंड जे रहा जे हनी बग है, जे इसमें से हनी 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 मिलता है गाइस इसको, इससे एंड्रयू एंड्रयूसोरस टेम होगा। ठीक है ना, एस जूनो होगा इसे, आपको पता ही है। एंड जे स्पेल बनती है गाइस, ठीक है ना। जे मैंने एक और ले लिया इधर, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं अपने घर की तरफ। तो मैं आ चुका हूँ अपने घर के पास। तो मैं इधर जे कुछ नए डाइनो थे गाइस आए थे, क्योंकि मैंने एक मोड डाला है ताकि सारे के सारे डायनोसॉर टेम कर पाए, तो वो मैंने मोड डाला हुआ था यहाँ पर। एंड ये रहे अपनी सारे के सारे डायनोस, जरा अपना वाइवन काचा जो हमने लाइव स्ट्रीम में कैप्चर किया था। एंड ये यहाँ पर क्या कर रहा है, भाग कुछ कुछ देखो ये ना बात। तो अभी इधर अपना आगे का स्पॉन कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। अभी इसको डेस्मोडोस को अपने थोड़ा सा साइड में लगाते हैं, ठीक है ना। तो अभी बेस नहीं बनाएंगे गाइस, बेस यहाँ पर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर डाइनोस वगैरह रखेंगे या बेस बना लें, क्या बोलते हो आप लोग? ठीक है, वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। तो अभी मैं सैडल बना लेता हूँ पहला गीगा की, ठीक है, क्योंकि सैडल वगैरह हम उसको पे राइड नहीं कर सकते। एंड रिसोर्सिस ऑलमोस्ट तो होएगी मेरे पास, हाँ ऑलमोस्ट होएगी। तो जो जो मेरे पास नहीं है वो अभी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ अपनी स्मिथी, ये जा अपना स्टोरेज बॉक्स से। एंड अपने को बहुत सारे स्टोरेज बॉक्स अभी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हम बहुत सारा डाटा ना इधर कलेक्ट करने वाले हैं। मतलब हर एक रिसोर्सिस स्टोरेज बॉक्स में उसका नाम आएगा अभी। तो रिसोर्सिस तो नहीं था मेरे पास, तो रिसोर्सिस कलेक्ट करते करते मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका है, एंड सुबह हो चुकी है। तो मैंने सैडल्स वगैरह सारी बना ली अपनी, ठीक है। अभी अपने स्पॉन कर लेते हैं अपने क्रेचर को। एंड उससे पहले ये गाचा वगैरह वो गाइस साइड में लगाना पड़ेगा। एंड ये हमने लाइव स्ट्रीम में कैप्चर किया था, ये दोनों अपने लाइव स्ट्रीम देखी होगी तो आपको पता होगा। एंड ये दोनों गाचा है, इसको भी हमने कैप्चर किया था लाइव स्ट्रीम में ही किया था। एंड जिसका काफ़ी यूजफुल है ये भी, ये दोनों, क्योंकि ये कुछ पत्थर वगैरह खाते हैं, जो जितने पत्थर वगैरह होंगे ना स्पॉन होंगे ये खा जाएंगे। एंड उसके बाद ये अपनी पूप से हमें कुछ रिवॉर्ड देंगे, ऐसा ही कुछ सीन है इसका। एंड जे इसके अटैक वगैरह है जो, वो मैंने दिखाई नहीं है लाइव स्ट्रीम में, आई डोंट नो, बस मेरे को क्यूट लगे, मैंने सोचा क्या इसको यार परेशान करना। तो ये भी इसको यहाँ पर लगा देते हैं। वेंडरिंग मैंने ऑलरेडी इसकी ऑफर कर रखी थी। अभी गीगा को स्पॉन करने का टाइम है। एंड गाइस गीगा क्या ही लग रहा है ना, अपना 134 लेवल का अपना गीगा है, आर गीगा गाइस, ये नॉर्मल गीगा नहीं, आर गीगा। इसकी स्पीड काफी अच्छी होती है, एंड डैमेज वगैरह सब कुछ अच्छा होता है, बढ़िया होता है इसका। तो सैडल मैंने पहना दिया है। एंड भाई साहब बच्चे लग रहे हैं भाई हर एक डाइनो इसके सामने, ओ गजब भाई गजब। तो अभी इसको लेवल अप थोड़ा कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉस फाइट में काम आने वाला है। बॉस फाइट सारे के सारे करेंगे, ठीक है ना। एंड जे इसके जो दो ही अटैक है भाई, ये एक वाइड करता है, दूसरा ग्राउंड करता है, मतलब कि दहाड़ता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं बाहर की तरफ, तो इसकी टेस्टिंग गाइस हो जाए कि क्या करता है, कि डैमेज कैसा है, या क्या सीन है, तो सब कुछ करेंगे, क्योंकि उसके बगैर तो मजा ही नहीं आएगा ना। अगर टेस्टिंग नहीं की तो ये गिर जाएगा। नहीं, अरे को रहने दे यार, मैं गिरना मत पागल की औलाद। अबे क्योंकि गीगा को आपको पता होगा कि जो 50% हेल्थ कम हो जाए ना, जब मालिक को ही भाई उठाकर पेल देता है, चल निकल। एंड जे इसको भाई टेम करना है यार, जे चिमका जा जो भी है, कंगारू कहते हैं इसको, आई थिंक सो। एंड जे इसको अभी पेलते हैं, डैश क्या। अबे डैमेज तो यार डिसेंट सा ही है, तो अभी इसका डैमेज गाइस बढ़ाना पड़ेगा यार, ऐसे मजा नहीं आएगा, है ना। एंड वो अलोसोरस का वो टीम लीडर था ना, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। तो अभी इसका मिली डैमेज में, इसमें मैं मिली डैमेज बढ़ाऊंगा, ठीक है, हेल्थ तो बढ़ाऊंगा, स्टेमिना बढ़ाऊंगा, एंड मूवमेंट स्पीड तो वैसे ही बढ़ेगी नहीं है इसकी। एंड ये सबको पेलेंगे, पहले इनकी बारी है, सबको पेला पलाई कर देते हैं पहले, तो बहुत सारी पेला पलाई करेंगे।
डैमेज वगैरह, डैमेज के सीन में भाई गीगा गीगा होता है यार, ऐसे बोलें। एंड गीगा से गाइस सारे डरते भी हैं। तो अभी मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ, बाकी क्योंकि इसको कमांड दे दे कर ना, इसके थोड़ा लेवल अप जल्दी से कर देते हैं, क्योंकि लेवल अप होगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो गेम प्ले बढ़िया होगी ना, कि वो सारे को मारना है अपने। तो अभी मैंने कमांड देता हूँ, जो तीनों ब्रोंटो को वाइस मरवा देंगे अपने गीगा से। एंड चल बेटे निकल जा। अबे क्या जमीन हिलाता है भाई जमीन हिला हिला कर मारता है। अबे मेरे को मारा, अभी मेरा गीगा तेरे से बदला लेगा यानी, तू कैसे बचेगा जोनी। तो चलो एक गया गाइस, एंड तेरी बारी है बेटे। अबे तू का बदला मेरे की गस लेगा, तेरी तेरे को भी पेलते हैं। एंड ये एक बचा है, एंड ये एक रैक्स से भी फाइट फाइट करवाएगा। अरे भाई रैक्स 150 लेवल का है, क्या होगा, क्या हमारा गीगा जीत पाएगा इससे, देखते हैं वीडियो में। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, ऐसा ही बढ़िया कंटेंट देखने के लिए वीडियो को कर दो लाइक। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, कि आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत ही मोटिवेट करता है गाइस हमको। तो अभी इसका लेवल अप मैंने दे दिया है, जितना भी आया था थोड़ा बहुत, तो अभी थोड़ी और फाइट करवाएंगे। चल बेटे पेल दे इसको, पेल दे। अबे वो नहीं यार, हाँ अबे क्या कर रहा है, घास खा रहा है पागल की औलाद। हाँ अभी पेल, गजब पेल दे भाई, तू गीगा है गीगा। चल भाई अभी रक्स की बारी है भाई, क्या हम रक्स को मार पाएंगे क्या, चल देखते हैं देखते हैं देखते हैं। अरे रक्स कहाँ पर गया, ये मेरे को फॉलो कर बेटे, चल आ जा आ जा आ जा, चल आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, देर मत करना। ये रहा रक्स अपना, अपना नहीं है मतलब बेगाना है अभी इसको पेल देगा, देखते हैं अपना गीगा जीत जाए जा रक्स जीता है, क्योंकि रक्स का लेवल ज्यादा है, 150 लेवल का है रक्स। अरे ये तो ऐसे ही मार देगा, अरे उसको घूमने का भी टाइम नहीं दिया अपने गीगा ने अरे क्या ही भाई साहब पेला है इसको, क्या ही पेला है इसको, तो घूमने तक का टाइम नहीं दिया यार अपने गीगा ने, तो गजब है, एक नंबर गजब है गाइस अपना गीगा। और गीगा सॉरी, बहुत फाइटिंग वगैरह हो गई, लेवल अप हो गया। तो अभी चलते हैं अपने घर की तरफ, इसका लेवल अप भी आ गया है, लेवल अप देते हैं जिसमें आप हमने अपन को देना है, इसकी इसकी इन्वेंट्री भी गाइस फुली फुल हो चुकी होगी हर एक चीज से। मैं थोड़ी मूवमेंट स्पीड में दे दूंगा, थोड़े डैमेज में दे दूंगा, ठीक है। एंड फिर किसी टाइम इसका डैमेज वगैरह बढ़ाएंगे, लेवल अप करवाएंगे। अभी चलते हैं अपने बेस की तरफ, ताकि इसको वहां पर सजाना है भाई, सजाना है भाई, हर एक डाइनो लाइन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो चल, तो इसको टेम करना है भाई, जब माइक्रो रैप्टर, जब माइक्रो रैप्टर मेरे को टेम करना है भाई, जो मेरे को एक दिन मारा था इसने, मैं भी इसको मारूंगा। चल बेटे मेरे को मारा था ना इसने, हाँ तो अभी इसको टेम कर सकते हैं ना, ये शोल्डर पैटा है, ये शोल्डर पैटा है, इसको टेम कर सकते हैं हम, हाँ इसको टेम कर सकते हैं। जो जो एक जो 25 लेवल का है, एंड दूसरा है कितना, 95 95 85 इतना भी है, व्हाटएवर। तो एक शॉट में ये हो जाएगा, क्योंकि अपने पास असेंडेंट वाला वो है ना वेपन, तो एक शॉट ही खाएगा ये। चल बेटे सो जा, अबे मारना मत, हाँ नहीं मारा नहीं मारा, बच गया भाई। अरे तू मरेगा क्या बंगारू, इसको भी फीड दे देते हैं, ये होता है गाइस बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर इधर से भी किया उधर से भी किया। चलो प्राइमेट ले लेते हैं अपने गीगा से, कि ये प्राइमेट ही खाएगा, जितने भी खाएगा, तीन चार पाँच, पाँच ले लिया मैंने, क्योंकि खाएगा तो ये एक दो ही, तो ले लिए मैंने, चलो कोई दिक्कत ना है, पता नहीं होता। अरे ये गेट गेट क्यों भाई उधर चला गया, तो अभी ये एक ही बाइट में हो जाएगा आई थिंक, एक या दो बाइट में हो जाएगा, नहीं दो बाइट में होगा, अभी एक खाई इसने, थोड़ी सी एक बाइट और लेगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एंड उसके बाद इसको शोल्डर पैट की तरह यूज कर सकते हैं हम। एंड हमने एक अपने को एक वोटर भी का इस करना पड़ेगा टीम, ताकि हम बर्फीले इलाके में जा सके। एंड वहां पर ना एक यूडी यूडी सोरस या यूनी ऐसे कुछ डाइनो है भाई, गजब है भाई,
उसको भी करेंगे टेम, किसी ना किसी दिन उसको भी करेंगे टेम। एंड जी टेम हो चुका है अपना, एंड इसका नाम क्या रखें, नाम क्या रखें इसका, कुछ भी रख देते हैं, कोई सीन ना है, ठीक है ना। तो मैंने इसको फोर स्टॉप कर दिया दोनों को, बेस को क्रॉनिकल करके, पैट जो मतलब अपने शोल्डर पर बिठा कर अभी चलते हैं बेस की तरफ। बेस अपना पास में ही है, अबे इधर की तरफ जा रहा है, मुड़ गया भाई इसका, भाई मुड़ता ही नहीं है भाई, बहुत धीरे धीरे घूमता है ये। तो चल बेटे अपनी घर की तरफ चल ले, नहीं तो चांटे बहुत पड़ेंगे तेरे को, देखा गाइस हमसे गीगा भी डरता है, बहुत पावर है भाई अपने पे, बहुत ज्यादा पावर है। चल 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 जल्दी से चले गाइस, निकल चलते हैं अभी। तो इसको सजावट के लिए भाई रखना भी है अपने को अभी ना। तो मैं इधर देख रहा था कि कोई और डाइनो मेरे को अच्छे वाला मिल जाए। तो फाइनली गाइस हमने इसको यहाँ पर ले आए हैं, एंटर कर दिया अपने आर गीगा को यहाँ पर अपने बेस पर। तो क्या ही जाइंट फीलिंग आ रही है गाइस, बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है मेरे को इसको टेम करके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम ओवल करेंगे गाइस, आर ओवल करेंगे, जितने भी लेवल का हुआ कर लेंगे, क्योंकि इसका कोई जूस तो हमने हमें है नहीं ज्यादा, मैक्सिमम देखेंगे जितने भी लेवल का दिखा, क्योंकि वो बहुत ही रेयरली दिखते हैं ना, जो आर कैटेगरी में होते हैं ना जितने भी डाइनो, वो बहुत रेयरली दिखते हैं। तो अभी इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।